हेलो दोस्तों, आपको एस बी स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ, जो जून मंथ का पार्ट फाइव वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो को प्रश्न बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न बोल रहा है कि हाल ही में किस संस्थान ने इंडियाज बोमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। तो किसने किया है? नीति आयोग ने। नीति आयोग ने जो है एक शीर्षक जारी किया है, इंडियाज बोमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। चलते हैं नीति आयोग की तरफ। नीति आयोग के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। नीति आयोग की जानकारी क्या है कि नीति आयोग का गठन जो किया गया था एक जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये 7 वर्ष पहले। ठीक है, इसका पूर्ववर्ती नाम क्या था? इसको पहले नाम क्या था? इसका नाम था योजना आयोग। इसका नाम क्या था? योजना आयोग इसका नाम था। ठीक है दोस्तों, अब इसको नाम बदल के क्या गया? नीति आयोग कर दिया गया है। इसका आधिकारिक क्षेत्र क्या है? इसका आधिकारिक क्षेत्र भारत सरकार जो है इसका आधिकारिक क्षेत्र है। हमारे इंडिया में ही यह योजना लागू किया गया है। उसके बाद चलते हैं अगले आगे क्या बोल रहा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कार्यपालक कौन है? कार्यपालक जो है इसके जो है कार्यपालक जो है नरेंद्र मोदी जी हैं। इनके अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी हैं और पदेन अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग के नए CEO कौन है? तो कौन है? परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर को जो है नीति आयोग के नए CEO बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पहले कौन थे? इसके पहले जो कौन थे? अमिताभ कांत थे इसके पहले CEO। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। किस केंद्रीय मंत्रालय ने परफॉर्मेंस गाइडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट PGID जारी किया है? तो किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से परफॉर्मेंस गाइडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट जारी किया गया। अब यह जो इंडेक्स क्यों जारी किया गया, अब उसके बारे में बताते हैं। देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया था 2019-2020 में क्या किया, तो एक परफॉर्मेंस गाइडिंग इंडेक्स तो जारी किया। ठीक है, लेकिन क्यों जारी किया? इसमें यह जारी किया कि जो COVID-19 के समय में स्कूलों में जो डिजिटल लर्निंग का जो सुविधा किया गया था, उस सुविधा में कौन सा कैसा इसका प्रदर्शन रहा, डिजिटल लर्निंग का प्रदर्शन कैसा रहा, उसका एक रिपोर्ट बनाया गया कि उसका परफॉर्मेंस कैसा। तो परफॉर्मेंस गाइडिंग इंडेक्स के तहत यह देखा गया कि जो डिजिटल लर्निंग जो कराया गया उसका बहुत ही ख़राब प्रदर्शन रहा। ठीक है दोस्तों, लेकिन और भी ये देखा गया कि इसमें जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन शीर्ष प्रदर्शन पे कौन से ज़िले रहा, तो इसमें प्रदर्शन पे सबसे ज़िले जो रहा राजस्थान के ज़िले थे जयपुर, सीकर और झुंझुनू। ये 3 जो ज़िले थे राजस्थान के जो थे जो शीर्ष प्रदर्शन पर रहे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। चलते हैं तीसरा प्रश्न है, पशुपालन और डेयरी विभाग किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है? तो कौन सा? तो यह बेंगलुरु शहर में जो है यह जो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट जो है शुरू करने जा रहा है। चलते हैं इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग बेंगलुरु में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। यह बेहतर प्रतिक्रिया तंत्र और प्रबंधन का उपयोग करके और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करके जेनेटिक रोगों के, यहाँ जेनेटिक नहीं होगा, यहाँ जेनेटिक होगा। ठीक है दोस्तों, जेनेटिक रोगों के भविष्य के प्रकोप को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए एक रोड मैप विकसित करने में मदद करेगा। पशुपालन और डेयरी विभाग बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और CII के साथ पार्टनर के रूप में कर्नाटक और उत्तराखंड के में वन हेल्थ फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट को लागू कर रहा है। कहाँ? कर्नाटक और उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, यह प्रोजेक्ट जो है लागू करने जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। चलते हैं, हाल ही में खबरों में रहा टी हब किस राज्य में स्थित स्टार्टअप इनक्यूबेटर है? ठीक है, तो कौन सा? तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य में जो है टी हब जो है एक स्टार्टअप जो है किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में बताते हैं। टी हब अप इनक्यूबेटर क्या है? तो
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। देखिए पूछ देता है तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन है, तो हम इसी से कुछ टॉपिक को ध्यान देते हैं कि आप हर एक पॉइंट पर ध्यान दें, अच्छे से वीडियो देखें हमारे। तो तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन है, के चंद्रशेखर राव ने, के चंद्रशेखर राव हैं जो हाल ही में हैदराबाद में बिजनेस इनक्यूबेटर टी हब को नई सुविधा का उद्घाटन किए हैं। ठीक है दोस्तों, यह फैसिलिटी एक छत के नीचे 2000 से अधिक स्टार्टअप का समर्थन करेगी। 2015 में स्थापित टी हब हैदराबाद शहर में स्थित एक इनोवेशन हब और इकोसिस्टम एनेबल है। कहाँ पर, हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, कौन सा शहर भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान है, तो वो कौन सा राज्य है, तो जम्मू और कश्मीर में जो है G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, G20 शिखर सम्मेलन क्या है इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो जम्मू और कश्मीर को विदेश मंत्रालय द्वारा 2023 में भारत द्वारा आयोजित करने वाले G20 शिखर सम्मेलन के दौरान बैठकों के लिए चुना गया है। मतलब कि जो 2023 में जो बैठक होगा G20 का, वो भारत देश में किया जाएगा। कौन से राज्य में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ये पता करते हैं कि इसमें कौन कौन से राज्य जो हैं G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होते हैं, देश कौन कौन से देश शामिल होते हैं, वो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। ये जो इतने देश जो है G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, ये पूरे देश हैं, आप इस देश के नाम जरूर याद रख लीजिएगा ताकि एग्जाम में पूछता है। ठीक है दोस्तों, और इसके आगे क्या बता रहा है कि अगला जो G20 शिखर सम्मेलन 2022 में जो होगा वो इंडोनेशिया में आयोजित की जा होगी। ठीक है, 2022 में जो है दिसंबर 2022 में आयोजित होगी G20 शिखर सम्मेलन, जो इंडोनेशिया में होगा। कहाँ, इंडोनेशिया में होगा। 2023 में जो होगा भारत में आयोजित किया जाएगा, और 2024 में जो होगा ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न क्या है, हाल ही में लॉन्च किए गए डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है कर्मचारी प्रशिक्षण। कर्मचारी प्रशिक्षण का मतलब क्या हुआ कि ट्रेनिंग, कर्मचारियों का ट्रेनिंग कि अच्छे तरह से दे और वो अपने काम में अच्छे से करें। ठीक है दोस्तों, चलिए बताते हैं इसके बारे में। डाक विभाग का डाक कर्मयोगी ई लर्निंग पोर्टल संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च किया गया। तो भारत के संचार मंत्री कौन है, संचार मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव जो है संचार मंत्री है। ठीक है, तो संचार मंत्री के द्वारा जो है यह लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल सरकारी कर्मचारी को दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित मिशन कर्मयोगी को दृष्टिकोण के तहत आंतरिक रूप से विकसित किया गया है। मतलब कि जो भी कर्मचारी हैं उनकी दक्षता, मतलब उनकी क्षमता या उनके टैलेंट को बढ़ाने के लिए यह जो है मिशन कर्मयोगी को विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, यह पोर्टल जो है ऑनलाइन में या मिश्रित कैंप्स मोड में एक समान मानकीकृत प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करके लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों और कर्मचारी को दक्षता में वृद्धि करेगी। मतलब कि ये जो है या तो पोर्टल ऑनलाइन के द्वारा या कैंप के द्वारा जो है इन लोगों को ट्रेनिंग के दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा हर्मिट क्या है, तो हर्मिट क्या है, स्पाई बियर है। अब पता करते हैं स्पाई बियर क्या होता है, स्पाई बियर क्या है। हाल ही में समाचार में देखे जाने वाली नवीनतम परिकृत स्पाई बियर का नाम हर्मिट है। मतलब कि स्पाई बियर है उसका नाम जो हर्मिट है। ऐसा माना जाता है कि उसे इटली और कजाकिस्तान में आईफोन और एंड्रॉयड उपकरणों में लक्षित किया गया। मतलब कि लक्षित का मतलब क्या, आईफोन और एंड्रॉयड में जो है जो कि मोबाइल होते हैं या लैपटॉप होते हैं उसमें उसको इंस्टॉल किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे बताते हैं थोड़ा, उसके बाद पूरा डिटेल बताएंगे आपको।
स्पाईवेयर मालवेयर का एक प्रकार है। किसका? मालवेयर का प्रकार है जो कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है। क्या है? कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है और उपयोगकर्ताओं की गैर जानकारी में उनके बारे में सूचना एकत्र किया जाता है। मतलब कि खुफिया, मैंने कह सकते हैं कि उसकी सूचना, वो बंदा क्या करता है, क्या कर रहा है, उसका पेशा क्या है, हर एक तरह की जानकारी जो है एकत्र करता है। ठीक है, स्पाईवेयर की उपस्थिति आमतौर पर उपयोगकर्ताओं से छिपी होती है। मतलब कि जो स्पाईवेयर जो उपस्थित होता है उसके लैपटॉप में या मोबाइल में, तो उसको जानकारी नहीं होता कि इस टाइप का जो है मेरे मोबाइल या लैपटॉप में जो है इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल है। तो इसका जो उपयोग होता है खुफिया जानकारी या किसी के पर्सनल के बारे में जानकारी लेने के लिए जो है इस तरह का इंस्टॉल किया जाता है। तो ये है हर्मिट स्पाईवेयर, जो का नाम जो है हर्मिट है, तो इस टाइप का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्ट पुरस्कार किस श्रेणी में को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया? मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्ट पुरस्कार, नेशनल हाईवे एक्सेलेंस अवार्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये है कंपनियों के लिए जो है स्थापित किया गया। किसके लिए? कंपनियों के लिए स्थापित किया गया कि पुरस्कार जो है कंपनियों को दिया जाएगा। चलते हैं, बताते हैं इसके बारे में थोड़ा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राजमार्ग निर्माण और रखरखाव प्रक्रिया में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के लिए 2018 में राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्ट पुरस्कार की स्थापना की गई। मतलब कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जो राजमार्ग निर्माण किया जाता है, मतलब उसमें बहुत सारे कंपनी जो है राजमार्ग को निर्माण करते हैं और उसको देखभाल करते हैं, उसका रखरखाव करते हैं, उसको प्रोत्साहन करने के लिए जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्ट पुरस्कार को स्थापना किया गया है। इसका उद्देश्य क्या था कि देश भर में जितने भी कंपनियां हैं जो रोज राजमार्ग से जो राजमार्ग से रिलेटेड हैं, राजमार्ग में जो संबंधित है, उन जो कंपनी जो है अच्छा प्रदर्शन करती है या फिर जो टोल प्लाजा है, तो टोल प्लाजा में जो है जो टोल जो ईमानदारी से जो भारत सरकार के जितने भी रकम जो है उसको ईमानदारी से जितने टोल प्लाजा में जो आती है वो उसको जो टैक्स होते हैं जो टैक्स जमा करते हैं तो भारत सरकार पर पहुंचता है, वो पूरा रिकॉर्ड बना करके कौन सी कंपनी जो अच्छा प्रदर्शन कर रही है उसको इसके तहत जो है पुरस्कृत किया जाता है। तो इसका जो है इसीलिए इसको स्थापना किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस जो है 28 जून को मनाया जाता है। कब? 28 जून को मनाया जाता है। चलते हैं दसवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में खबरों में रही रैंप योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? रैंप योजना जो है MSME मंत्रालय से संबंधित है। चलिए जानते हैं MSME मंत्रालय क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम में भाग लिया और राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस मन की रैंप योजना शुरू की। उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग और फर्स्ट टाइम्स MSME एक्सपोर्टर योजना और क्रम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के नए विशेषताओं को भी शुभारंभ किया। ठीक है दोस्तों, MSME आइडिया हैकथॉन 2022 के परिणाम घोषित किए गए और राष्ट्रीय MSME पुरस्कार वितरण किया गया। दोस्तों इसका भी उद्देश्य क्या था कि भारत में जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं या जो भी संस्था है जो भारत सरकार से जुड़ा हुआ है, तो वह जो है भारत सरकार के लिए जो योगदान दिया है ना, उससे संबंधित है कि कौन सी कंपनी जो थी अपना काम जो है वह अच्छे तरीके से किया और जो है हर एक प्रोजेक्ट जो निकलता है तो प्रोजेक्ट जो है समय के अनुसार उसको ख़त्म किया, उसके अनुसार उसको इस योजना के तहत उसको पुरस्कृत किया गया। ठीक है दोस्तों, आज का जो वीडियो जो है दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज हमारे वीडियो में जो है टोटल 10 प्रश्न थे। तो चलते हैं दोस्तों, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद दोस्तों।